आज शाम को होगी कैबिनेट की पहली बैठक। पीएम आवास पर शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक से पहले मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। 71 मंत्रियों ने ली है पद और गोपनीयता की शपथ, तो ऐसे में 71 मंत्री हैं गौरव। और अब नजरें पोर्टफोलियो पर आके टिक जाएंगी सबकी कि कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाता है। हालांकि क्या खबरें ऐसी भी हैं कि चाहे राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए या गृह मंत्री की बात अमित शाह की बात कर लीजिए, तो क्या इनके विभाग नहीं, जो पहले वाले विभाग हैं वही इनके पास रहेंगे, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा? देखिए, इसमें अगर हम देखें जिस तरीके से ये जो सोर्सेस से जानकारी मिल पा रही है हमें, सबसे पहले परफॉर्मेंस जो है वो ध्यान में रखा जाएगा और परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए ही संबंधित जो मंत्रालय हैं रिपीट किए जाएंगे, परफॉर्मेंस वाइज ही चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, तो ये जरूर एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या राजनाथ सिंह को इस बार गृह मंत्रालय मिल सकता है क्या। लेकिन ये सब जो कवायद है ये पहले से ही बैठकों के दौर में जो बैठक हुई है उसमें निर्णय लिया जा चुका है। और आगे जो हम देख रहे हैं कि आज शाम 5 बजे जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसके बाद से जो चीजें हैं बिल्कुल स्पष्ट नजर आएंगी कि किसको कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि जो नए नवेले जो मंत्री हैं उनको भी अभी तक विभागों की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, उनको भी विभाग की जिम्मेदारी जो जल्दी सौंपी जाएगी। तो इस तरीके का जो पूरा एक सिनेरियो है वो शाम 5 बजे के बाद से स्पष्ट हो जाएगा। और जितने भी मंत्री हैं उनको अपना 100% देना है। 100 दिनों का जो टारगेट है सरकार वो लेकर के चलेगी। हालांकि आमतौर पर 100 दिनों का जो नई सरकार जब बनती है तो 100 दिन हनीमून पीरियड माना जाता है, लेकिन ये सरकार उस पीरियड में नहीं जाने वाली है। ये सरकार एक्शन और इसीलिए कल गौरव ये कहा गया नवनिर्वाचित सांसदों से और जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली कि आप अपने क्षेत्र में 15 दिन बाद जाएगा, पहले यहाँ पर अपना काम जमा लीजिएगा, क्योंकि वही पहली सरकार की प्राथमिकता है काम करना और जो काम है विकास के उनमें गति लाना। अच्छा, क्योंकि गौरव, क्योंकि कल ऐसी भी खबरें छनकर सामने आ रही थी कि रेल मंत्रालय जेडीयू के खाते में जा सकता है, ललन सिंह को रेल मंत्री बनाया जा सकता है, तो इसको लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि जो टीडीपी है वो भी सहयोगी दल है, उनकी तरफ से भी जाहिर सी बातें कहा जाएगा कि हमारे पास ज्यादा सांसद है, हमने ज्यादा सांसद दिए हैं, तो हमें भी बड़ा कोई विभाग दिया जाए। विभागों का जो बंटवारा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सहयोगी दलों को भी बड़े विभाग देने हैं, खास करके जो बड़े सहयोगी दल हैं जो ज्यादा सीटें लेकर के अलायंस के पार्टनर बने एनडीए के, तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप देखिए कि अगर हम बात करें रेल मंत्रालय की तो रेलवे सेक्टर में भी काफी काम किया है मौजूदा समय में अश्विनी वैष्णव ने, जब उनके पास रेलवे की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने भी शपथ लिया है। अब देखना होगा कि जो रेलवे का पोर्टफोलियो है वो क्या वाकई में बिहार का जो दस्तूर रहा है, रेलवे पर नजर रहती है बिहार से जो भी मंत्री बनता है या फिर जब उसको मौका मिलता है, तो ये देखना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि जिस तरीके से अगर हम बात करें बड़े मंत्रालयों में, वित्त मंत्रालय है, इसके अलावा आप देखिए कि सड़क परिवहन मंत्रालय में नितिन गडकरी का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार जो उनका काम रहा है उसको देखते हुए फिर से उनको रिपीट किया गया। और अभी सुबह की जो तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं, खास करके कुछ मंत्रियों की, अगर मैं बात करूं, अगर अमित शाह की बात करूं, उनके आवास पे ही लोगों के मिलने का पहुंचने का जो क्रम है वो जारी है। नितिन गडकरी के आवास पर लगातार देर रात से ही तमाम लोग जो है वो मिलने पहुंच रहे हैं, चाहे वो अलग अलग राज्यों बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों। तो ये जो कवायद चल रही है, लेकिन विभागों के बंटवारे की बात करें, जिनके पास जो विभाग पहले से रहे हैं हो सकता है उसमें थोड़ा अप और डाउन देखने को मिले, क्योंकि इस बार 2 सहयोगी दल हैं और उनको भी मद्देनजर उनको ध्यान रखना है। आप देखिए अनुराग ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो अनुराग ठाकुर बड़े एनर्जेटिव तरीके से चुनाव प्रचार में लगे रहे और मोदी सरकार में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई, हालांकि उन्होंने काम भी कई महत्वपूर्ण किए, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग उनके पास था लेकिन वो शपथ नहीं ले पाए। स्मृति ईरानी बड़ा चेहरा थी, वो चुनाव हार गई। तो 17-18 मंत्री तो अगर ऐसे हम देखें तो वो वैसे ही बाहर हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनको, नए लोगों को मौका इस बार दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, देखना होगा इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो है क्या वो किसी नए चेहरे पर विश्वास जताएंगे या फिर जो पुराना कोई चेहरा है उसे उस स्थान पर लाया जाएगा। जी गौरव, क्योंकि जब कल मंत्रिमंडल की तस्वीर सामने आई तो एक बात तो क्लियर थी कि समन्वय यहाँ पर बैठाने की पूरी कोशिश की गई है और उससे संदेश भी जाता है, तो क्या जब आज पोर्टफोलियो का बंटवारा किया जाएगा तो वही समन्वय जो है एक बार फिर नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए वही समन्वय देखने को मिलेगा। और संगठन में खास करके अगर मैं बात करूं संघ की, तो जब बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर तो इन सभी बातों पर पहले से चर्चा किया गया था। खास करके विभागों के बंटवारे की बात करें तो विभागों के बंटवारे के बाद कोई नाराजगी किसी प्रकार की किसी के अंदर ना रहे, इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है। और उसके ठीक पहले ही
जब कल शपथ ग्रहण हुआ और तकरीबन 72 मंत्रियों ने शपथ लिया, तो ये बहुत स्पष्ट मैसेज था कि किसी के साथ नजरअंदाज किसी को नहीं किया गया है और सभी को, चाहे वो अलग अलग राज्यों से आते हैं, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, या फिर हम साउथ लॉबी की बात करें, सभी को उसमें स्थान दिया गया है। तो ये एक इस तरीके के काम को दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, कि वो सभी को मौका दे रहे हैं। और आप देखिए, इसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं, खास करके अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से, कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री परिषद में शामिल किया गया, राज्य मंत्री बनाया गया। उनको गोंडा से आते हैं, सांसद हैं वो, और पहली बार जब वो चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को हराया था। तो एक बड़े चेहरे हैं, राजनीतिक घराना उनका काफी लंबा रहा, उनको इस बार राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि कहीं उनका नाम किसी रेस में नहीं चल रहा था। तो एक कहीं ना कहीं दूरदृष्टि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने मंत्रिमंडल में है, वो देखने को मिली है। इसके अलावा ये अब तक की सबसे मजबूत कैबिनेट मानी जा रही है, क्योंकि इसमें तमाम वो चेहरे हैं जो कई राज्यों के कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 4 से 5 ऐसे प्रमुख चेहरे हैं, चाहे जीतन राम मांझी की हम बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, ये सभी लोग बड़े अनुभवी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा लाभ जो है वो बिल्कुल, क्योंकि ये अनुभवी चेहरे हैं और तमाम ऐसे सांसद हैं और जिन्होंने कल मंत्री पद की शपथ ली है, 3 से 4 बार का आप कह लीजिए कोई मुख्यमंत्री रहा या फिर इससे पहले का उनका अनुभव भी रहा है, कैबिनेट में उन्होंने लगातार काम किया।